आपको भी साइनस की प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही आपको बहुत ज्यादा छींकें आने लगती हैं, आपका नाक बंद हो जाता है, मौसम बदलने के साथ ही आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपको अस्थमा की समस्या है। अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम या ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि जब हमें साइनस होता है या कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है तो जब कफ हमारे सर में इकट्ठा होने लगता है तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, जब वही कफ हमारी आईज तक जाता है तो हमारी आईज वीक होने लग जाती हैं। इसी तरीके से हमारे अगर गले तक जाता है तो हमारा गला पूरा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो जो है ये स्पेशली डेडिकेटेड है SF सर को। 20th अगस्त को हेल्थ टाइम पर वीडियो आया था जिसमें कमेंट किया था उन्होंने कि प्लीज साइनस की कोई प्रॉब्लम का सलूशन बताएं। सुबह उठते उनको बहुत ज्यादा छींके लग जाती हैं, उनका नाक एकदम से बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा उनको कोल्ड की प्रॉब्लम है। तो आज अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक महीने के अंदर आपको इसके विजिबल रिजल्ट दिखेंगे और एक दिन में ही आपको अपने अंदर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। क्या है वो चीजें, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जमकर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। जब प्रेस करते हैं तो ऑल पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा वीडियो देख सकें। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी रूटीन में रोजाना सुबह उठते ही 3 आसन करने हैं। लेकिन 3 आसन से पहले स्टेप नंबर 1 हमें क्या फॉलो करना है, सरसों का तेल लेना है, ठीक है, उसको हल्का सा कोसा करना है। कोसा करने के बाद हमें अपने हेड को तकिए से नीचे की तरफ आपको अपने बेड से लटका लेना है और एक एक बूंद अपने दोनों नोस्टल में डाल लेनी है और आपको कम से कम 10 मिनट तक ऐसे लेटे रहना है। लेटे रहने के बाद अपना डेली रूटीन का आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके बाद यानी 10 मिनट बाद आपको करने हैं मेरे बताए हुए योगासन, जो आपको बिल्कुल ही इन सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे। तो चलिए पहला योगासन शुरू करते हैं जिसका नाम है अलोम विलोम, जिसके लिए आपको बिल्कुल सीधे बैठ जाना है, आलती पालती मार के कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। उसके बाद आपने एक नोस्टल से गहरा लंबा सांस लेना है और दूसरे नोस्टल से आपने ब्रीथ आउट करना है, यानी सांस को छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको 10 सेकंड का रेस्ट देना है, दोबारा करना है, जितना हो सके अलोम विलोम के टाइमिंग्स उतने इंक्रीज करिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इस प्रॉब्लम को बिना दवाइयों के खत्म करना चाहते हैं तो आपको कम से कम रोजाना आधा घंटा इसको सुबह उठते ही फॉलो करना है। जैसे आपने नोस्टल में ड्रॉप्स डाली सरसों के तेल की, उसके बाद आपको ये योगासन करना है, यानी एक अलोम विलोम को आपको कम से कम आधे घंटे की प्रैक्टिस बनानी ही बनानी है। अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं तो 10 मिनट करिए, फिर इवनिंग में इसको फॉलो कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना नियम बनाते जाएंगे आपको टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों की दवाई खाते तो दवाई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दवाई आपकी एलर्जी को थोड़ी देर के लिए रोकता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे को भी ये सेम प्रॉब्लम था एलर्जी का, उठते ही छींके आना, डस्ट से एलर्जी, बहुत चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, कोई भी बहुत तेज स्मेल्स परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा चढ़ती है या रूम फ्रेशनर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें एलर्जी कर जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब हम करने वाले हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए हमें क्या करना है, सांस जब हम बाहर छोड़ेंगे नाक से तो हमें पहले गहरा लंबा सांस लेना है, छोड़ते टाइम हमें पेट को अंदर स्क्वीज करना है, ठीक है, सक करना है। रेस्ट अगेन आपको ये चीज़ फॉलो करनी है और इसको भी आपको टाइमिंग इंक्रीज करना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा 1 मिनट होगा, उसके बाद 2 मिनट तक लेके जाइए और डे बाय डे इंक्रीज करते हुए मैक्सिमम इसको 1/2 आवर तक लेके जाइए। सुबह 5 मिनट करिए, दोपहर में अगर आप चेयर पर भी बैठे हुए हैं, कोई आपको जरूरत नहीं है कि आपको आसन में ही बैठना है, चेयर पर बैठे बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आप, आपकी आंखें दुखने लगी हैं, तो अपने को रेस्ट देने के टाइम पर भी आप इस आसन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस से अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक टाइम मिला है, लंच का ब्रेक टाइम है, आपने लंच करने जाना है, उससे पहले आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, सिर्फ ये आपके सिर्फ एलर्जी को यानी जुकाम को खत्म नहीं करेगा, आपके ओवरऑल बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, आपके टॉक्सिन्स को, एक्स्ट्रा जो वेस्ट टॉक्सिन्स है उनको निकालता है, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोबारा करते हैं इसको। रिलैक्स,
तीसरा आसन है हमारा भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है, बहुत जोर से सांस लेना है, बहुत जोर से सांस आपको छोड़ना है, ठीक है। नाक से आपने सांस लेना है, नाक से ही आपने छोड़ना है। इससे आपके लंग्स तक ठीक से एयर पहुंच पाती है, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करते हैं। और इनफैक्ट ये आपके बालों की ग्रोथ को, आपकी आंखों के लिए, आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बढ़िया कर देता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। मतलब ये प्राणायाम अगर आप सुबह अपने रूटीन में कर लेते हैं डेली, तो आपको इससे अनगिनत फायदे होंगे। बनाने बैठूंगी, अगर फायदे बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, शायद पूरा दिन बीत जाएगा। तो आप इसको लगातार करें और फिर देखें विद इन अ वीक आपको अपने अंदर कितने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रिलैक्स। यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं सारे कंप्लीट योगासन, तीन योगासन जो आपको अपने रोजाना जिंदगी में शामिल करने हैं। इसके साथ आपको एक रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगी। अगर आप इसको इनटेक करेंगे तो इससे आपका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपको जितनी भी खांसी जुकाम हो रहा है, आपको एकदम से छींकें आ रही हैं, नाक बंद हो रहा है, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। आपका जितना भी बलगम रेशा है ना, वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है 100 ग्राम बादाम। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है 20 ग्राम काली मिर्च। 50 ग्राम लेना है आपने खांड। इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है, कांच की शीशी में आप स्टोर करके रख दीजिए। आपने इसके देने हैं 2 चम्मच। 1 चम्मच लेना है आपको रात को सोने से पहले गरम दूध के साथ, खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले, ठीक है। आपका जितना भी रेशा बन रहा है, बलगम बन रहा है, बिल्कुल सारा साफ हो जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ये भी नहीं कि आपने खाया और आपको सुबह रिजल्ट मिल रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ही इसका 1 चम्मच आपने क्या करना है, सुबह उठते ही बिल्कुल खाली पेट आपको इसको 1 चम्मच इसका खा लेना है दूध के साथ। तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जुकाम, नजला, एलर्जी, जितना भी डस्ट से होती है, परफ्यूम से होती है, किसी भी चीज से एलर्जी है आपको, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और लाइफ लॉन्ग आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो प्लीज दवाइयों खाने से बचें, प्राणायाम करें, योग आसन करें, आपका ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जो आपको अपने आप के लिए मोटिवेशन के लिए काफी है। तो आज का मेरा वीडियो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे SF सर ने मुझे सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए, तो ऐसे अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी अपना सिटी नेम, अपना नेम क्लियर मेंशन करें, तो डेफिनेटली मैं आपके कहने पर ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ऐसे कुछ नए और बेहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।